पूर्व कबीना सेवक और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। मेवाड़ ही नहीं, प्रदेश स्तर पर राजनीति से जुड़े हर नेता ने माहेश्वरी के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधान सेवक, राजस्थान के मुख्य सेवक सहित तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल प्रदान किया है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि किरण का यूं अलविदा कह देना बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। उनके निधन से बीजेपी में हुए खालीपन को भरना आसान नहीं होगा। पूर्व प्रदेश सेवक और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी एक ऐसी जनप्रतिनिधि थी जिन्होंने जीवित रहते हुए भी और मौत के बाद भी हर सफर पुष्प वर्षा के बीच ही किया है। माहेश्वरी के पार्थिव देह को सोमवार को सड़क मार्ग से उदयपुर लाया गया और रास्ते में आने वाले हर गांव, हर ढाणी के क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि माहेश्वरी ने निगम चुनाव के दौरान उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार में शिरकत की थी, जिसमें अब तक हुए निगम चुनावों में नगर पालिका से नगर निगम तक के सभी पूर्व सभापति को आमंत्रित किया गया था। शायद उदयपुर में माहेश्वरी का यह अंतिम कार्यक्रम होगा जिसमें उन्होंने अपने मन की बात मेवाड़ वासियों से साझा की थी। मंगलवार को किरण जी की पार्थिव देह पंच तत्वों में विलीन होगी। अंतिम दर्शनों के लिए कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लेक सिटी में रहेगा। मेवाड़ और पूरा प्रदेश किरण जी को कभी भुला नहीं पाएगा। यह विश्वास करना भी बेमानी सा लगता है कि किरण दीदी अब हमारे बीच नहीं रही।